चलिए तो दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो गया है देश और विदेश की कुछ बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेंट्रल जेल में नशे का कारोबार चल रहा, कैदियों के पास से गांजा बीड़ी सिगरेट हुए बरामद, दो जेल प्रहरी हुए निलंबित। बंगाल में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की दर, कोलकाता में मिला कोविड 19 का नया वेरिएंट, हालांकि वेरिएंट के नाम की पुष्टि अभी नहीं हुई। कार्यकाल खत्म होने से पहले 27 जून को वृंदावन आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठाकुर श्री बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। पंजाब में ई रिक्शा चालक पर लड़की को छेड़ने का लगा आरोप, लोगों ने अगवा करके जमकर की पिटाई, साथ ही जूतों में पानी भरकर भी पिलाया। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, 27 जून से फिर होगी झमाझम बारिश, तापमान में आएगी गिरावट। हिंसा पर उतरी शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के पुणे के घर में की तोड़फोड़, मुंबई में धारा 144 हुई लागू। बिहार में आम के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़े चार सगे भाई, बीच बचाव करने पहुंची मां पर किया धारदार हथियार से हमला, मौके पर हुई मौत। अमरनाथ यात्रा के लंगरों में सेहत का रखा जाएगा खास ख्याल, अब सिर्फ पौष्टिक खाना मिलेगा, चिप्स समोसा कोल्ड ड्रिंक समेत फ्राइड और जंक फूड पर लगा बैन। हिजाब और स्कार्फ से दूर या बॉयकॉट हेयर स्टाइल पसंद कर रही सऊदी की वर्किंग वुमेन, तेजी से बढ़ रहा छोटे बालों का चलन। भारत ने काबुल में फिर से खोला अपना दूतावास, मानवीय सहायता जारी रखने के लिए अपनी तकनीकी टीम भेजी। मॉन्की पॉक्स बना महामारी, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने की घोषणा, WHO भी जल्द ले सकता है फैसला, अब तक 58 देशों में 3,417 मरीज मिले। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने बदला 50 साल पुराना फैसला, अब अमेरिका में नहीं करा सकेंगे गर्भपात, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की निंदा। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस कर रही शुरू, 30 जुलाई तक भर सकते हैं फॉर्म। बंगाल में नहीं थम रहा बीजेपी नेताओं का पार्टी छोड़ने का दौरा, अब पूर्व विधायक गदाधर हाजरा ने तोड़ा नाता और की टीएमसी में वापसी। अदनान सामी का ट्रांसफॉर्मेशन देख हैरान हुए फैंस, नई फोटोज में सिंगर को पहचानना हुआ मुश्किल। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए JJN न्यूज़।